तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल KO01। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस हमारे फ्री फायर में जो OB39 का अपडेट आएगा उसके बाद गाइस हमारे घर से कौन से करेक्टर है जिनकी एबिलिटी में होने वाले हैं चेंजेस, जिनकी एबिलिटी को बदला जाएगा। तो गाइस अगर आपको भी इन सब के बारे में जानना है तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो गाइस नई एबिलिटी बताने से पहले गाइस मैं आपको दो मेजर चेंजेस बता देता हूँ जो कि गाइस करेक्टर से रिलेटेड होने वाले हैं। पहले तो ये कि गाइस हमारे करेक्टर के जितने भी लेवल्स होते हैं गाइस अपडेट के बाद आपको कोई भी लेवल नहीं देखने को मिलेगा, आपको डायरेक्ट जो है एबिलिटी मिलेगी। और सेकंड गाइस ये है कि हमारा जो करेक्टर लीक सिस्टम होता है जिससे आपको फ्री में करेक्टर्स मिलते हैं वो सिस्टम को भी गरीना हटा देगी अपडेट के बाद। तो आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे जिन लोगों के पास करेक्टर्स नहीं है, जो नए बंदे हैं ठीक है, तो वो लोग करेक्टर फ्री में कैसे लेंगे। तो मैं आपको बता दूं जितने भी जो करेक्टर गरीना फ्री में दे चुकी है करेक्टर लिंक में वो सारे करेक्टर आपको जो स्टोर में डायरेक्ट गोल्ड से खरीदने को मिल जाएंगे। तो इसकी चिंता मत करना कि करेक्टर कैसे मिलेंगे, नए बंदों को करेक्टर गोल्ड से मिल जाएंगे ठीक है। और जैसे करेक्टर लिंक में गाइस हर बार जो है गरीना नया करेक्टर जो भी आता था उसको ऐड कर देती थी थोड़े टाइम बाद, वैसे गाइस स्टोर में भी गाइस गरीना जो है नए करेक्टर को थोड़े टाइम बाद गोल्ड में दे देगी ठीक है। तो इसकी चिंता मत करना फ्री करेक्टर कैसे मिलेंगे, फ्री करेक्टर तो आपको यहाँ पे स्टोर से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं करेक्टर एबिलिटी चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले जो करेक्टर जिसकी एबिलिटी में चेंज होगा वो होने वाला गाइस हमारा फोर्ड। तो फोर्ड की नई एबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है, लिखा है व्हेन टेकिंग डैमेज गेन 10 HP फॉर 3 सेकंड्स, कूल डाउन टाइम इसका 20 सेकंड है, और इसके आगे लिखा है योर एक्टिव स्किल विल रिसेट इमीडिएटली आफ्टर यू रिलीज दिस स्किल। यानी कि गाइस ये जो है फोर्ड की जो एबिलिटी पहले क्या थी कि ये जोन के बाहर जो है हमें कम डैमेज देता था कुछ परसेंट, लेकिन यहाँ पे इसकी एबिलिटी को चेंज कर दिया, अब यहाँ पे ये HP देगा हमें अब से। तो इसकी एबिलिटी वैसे तो पैसिव एबिलिटी है ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से जंप किया मुझे डैमेज पड़ा और इसने मुझे जो है 3 सेकंड के लिए 10 HP दिया, यानी कि टोटल यहाँ पे मुझे 30 HP मिल जाएगी ठीक है। अब इसका फिर से कूल डाउन टाइम स्टार्ट हो चुका है, 20 सेकंड बाद फिर से इसकी एबिलिटी का मैं यूज़ कर सकता हूँ ठीक है। बट इसकी जो दूसरी एबिलिटी थी जिसमें ये लिखा था कि ये एक्टिव स्किल को रिसेट कर देगा वो इसकी काम नहीं कर रही, आप देख सकते हैं मैंने आलोक की एबिलिटी भी लगा रखी है और वो इस टाइम कूल डाउन टाइम पे ठीक है। और जैसे ही मैं फोर्ड की एबिलिटी यूज़ होती है तो यहाँ पे कोई भी जो है इमीडिएटली रिसेट नहीं हो रही है एक्टिव स्किल, तो इसकी जो दूसरी एबिलिटी मुझे लग रहा है वो गलत लिख दी है उन्होंने यहाँ पे। बाकी इसकी भी HP वाली मुझे लगता है एबिलिटी होने वाली जिसमें ये आपको 3 सेकंड तक 10 HP देगा ठीक है, और जोन के बाहर भी इसकी एबिलिटी काम करती है, आप देख सकते हैं जोन का मुझे डैमेज पड़ रहा है हर 20 सेकंड में मुझे 30-30 HP देता रहेगा ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नई फोर्ड की एबिलिटी समझ में आई होगी ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की जिसकी एबिलिटी में होने वाला है चेंज, तो वो होगी गाइस हमारी ज़ाइनी। तो ज़ाइनी की यहाँ पे नई एबिलिटी लिखी है, इसके अंदर बता रखा है कि इसका एक एक्सट्रीम मोड एक्टिवेट हो जाएगा जब इसकी एबिलिटी पे आप बटन दबाओगे एक्टिवेट करोगे ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है इसकी HP में आपको जो है 50 temporary HP मिलेगी सिर्फ 8 सेकंड के लिए, और उस टाइम के अंदर अगर आप जो है अब किसी भी मेडिकेट का यूज़ करते हो या हीलिंग किसी भी आइटम का यूज़ करते हो जो आपको HP को बढ़ाता है तो उसका जो इफेक्ट है वो 75% तक बढ़ जाएगा, और इसका जो कूल डाउन टाइम है वो है 75 सेकंड्स। तो यहाँ पे गए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है डैमेज लिया ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मेडिकेट का यूज़ करूँगा और साथ में इसकी एबिलिटी भी चालू कर दूंगा ठीक है। तो यहाँ पे गए आप देखना मेरी कि HP जो है कितनी ज़्यादा एकदम से हो जाएगी, एकदम से फुली हो जाएगी एक तरीके से आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये 50 HP तो आपको टेम्प्रेरी देगा जो 8 सेकंड के बाद चली जाएगी, लेकिन अगर आप जो है इसकी एबिलिटी के साथ साथ अगर आप मेडिकेट यूज़ करते हो तो मेडिकेट का जो इफेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एक मेडिकेट आपको 75 वो देती है HP अगर आप मारते हो नॉर्मल तरीके से, लेकिन इसकी एबिलिटी यूज़ करने के बाद अगर आप एक मेडिकेट का यूज़ करोगे तो वो आपको 131 HP देगी। तो एक तरीके से ये इंस्टेंट HP देने वाला करेक्टर हो गया, इमरजेंसी यूज़ में गए एकदम से आपकी HP को बढ़ा देगा और ये काफ़ी काम आने वाला है। लेकिन इसकी जो पहले वाली एबिलिटी थी जिसमें ये ग्लूवॉल को भी जल्दी जल्दी तोड़ती थी वो इसकी मुझे लगता है इन्होंने हटा दिया ठीक है। तो आपको ये करेक्टर अब कैसा लग रहा है वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइस हमारा अगला करेक्टर आता है ओथो जिसकी एबिलिटी में होने वाला है चेंज। तो यहाँ पे गाइस इसकी एबिलिटी अगर आप पढ़ो नई एबिलिटी तो यहाँ पे बता रखिए आफ्टर नॉकिंग डाउन एन एनिमी मार्क एनिमी विद इन 20 मीटर, यानी कि गाइस ये जो है नॉकडाउन करने पे अगर आप किसी बंदे को नॉकडाउन करते हो तो वो जो है नियर बाय जितने भी उसके बंदे होंगे 20 मीटर के अंदर उनको ये मार्क कर देगा ठीक है मोको की तरह। साथ ही गाइस जो उसके नियर बाय बंदे होंगे जो मार्क हुए होंगे उनकी स्पीड जो है मूवमेंट स्पीड वो भी 25% से कम हो जाएगी, और इसकी एबिलिटी जो है सिर्फ 4 सेकंड तक रहती है जो आप किसी बंदे को नॉकडाउन करते हो तो ठीक है। अब इसकी एबिलिटी गाइस सिर्फ 4 सेकंड के लिए रहती है तो ध्यान से देखना इस वाली क्लिप में। तो यहाँ पर मैंने बंदे को नॉकडाउन किया तो नियर बाय जो उसके दोस्त थे वो सारे ब्लू कलर से यहाँ पे मार्क हो गए थे कुछ सेकंड के लिए अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ठीक है। तो जितनी बार मैं यहाँ पे नॉकडाउन करूँगा किसी बंदे को उतनी बार जो ये मार्क आता रहेगा ठीक है, और इनकी जो मूवमेंट स्पीड है इनके सारे दोस्तों की वो भी 25% से कम हो जाएगी जो भी 20 मीटर के अंदर आते हैं ठीक है। अब इसकी एबिलिटी गाइस क्लैश स्क्वाड मोड में काफ़ी काम आ सकती है क्योंकि वहाँ पे गाइस ये आपको पोजीशन बताएगा साथ में गाइस सामने वालों की मूवमेंट स्पीड को भी कम कर देगा ठीक है। तो बाकी गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी पूरी एबिलिटी समझ में आ गई होगी ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमारा अगला करेक्टर जिसकी एबिलिटी में होगा चेंज वो है गाइस हमारी दशा। तो दशा की एबिलिटी यहाँ पे बता रखी है आफ्टर एलिमिनेटिंग एन एनिमी एंटर हाईलाइट मोड, यानी कि अगर आप किसी बंदे को मार के ख़त्म कर देते हो
पूरा एलिमिनेट कर देते हो, तो उसके बाद गाइस इसका हाईलाइट मोड जो है ऑन हो जाता है, यानी कि इसकी एबिलिटी ऑन हो जाती है, जिसमें होता क्या है कि आपका रेट ऑफ फायर जो है 18% से बढ़ जाता है और आपकी मूवमेंट स्पीड जो है वो 12% बढ़ जाती है हाईलाइट मोड के अंदर। इसके अलावा जो इसका हाईलाइट मोड है वो सिर्फ 6 सेकंड तक के लिए रहता है, ठीक है। और अगर उस 6 सेकंड के अंदर आप एक और बंदे को नॉकडाउन कर देते हो तो इसका जो काउंटडाउन है 6 सेकंड का फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो सेकंड टाइम जो है उसमें गाइस आपको रेट ऑफ फायर सिर्फ 4% और मूवमेंट स्पीड जो है 3% की मिलती है। यानी कि लगातार इसकी एबिलिटी का आप यूज़ करोगे, जैसे लगातार नॉकडाउन करोगे, तब इसकी एबिलिटी पहले वाले पे तो काफ़ी अच्छे से रेट ऑफ फायर आपको मिलेगा, लेकिन सेकंड वाले पे रेट ऑफ फायर थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको दिखाया इस वाली क्लिप में, मैंने पहला बंदा मारा, तो आप देखना कि जो मेरा AN94 का रेट ऑफ फायर है वो कैसे एकदम से 18% तक बढ़ जाएगा और थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड भी मुझे मिली थी 6 सेकंड के लिए, ठीक है। उस 6 सेकंड के अंदर अगर मैं एक और बंदे को नॉकडाउन कर देता हूँ तो ये टाइमर फिर से 6 सेकंड का स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम जो मुझे एबिलिटी में जो रेट ऑफ फायर मिलेगा वो सिर्फ 4% का होगा। और जब इसकी एबिलिटी जो हाईलाइट मोड एक्टिवेट होता है तो नीचे की साइड अगर आप देखो तो इसके पैरों में रेड कलर की फ्लेम आने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप जो है आप यूज़ कर सकते हो, रेट ऑफ फायर भी देगा, मूवमेंट स्पीड देगा, यानी लूना वाली एबिलिटी इसके अंदर डाल दी है, जो लूना क्रिएटर की एबिलिटी है सेम वही एबिलिटी इसके अंदर उन्होंने डाल दी है, लेकिन अलग तरीके से ये जो है एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली क्रिएटर की एबिलिटी समझ में आई होगी। बात करते हैं अगले क्रिएटर की, तो वो होने वाला है हमारा आलोक। तो आलोक की एबिलिटी को उन्होंने फिर से कम कर दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो ये इसमें लिखा है क्रिएट्स अ 5 मीटर ओरा दैट इंक्रीजेज मूवमेंट स्पीड 15%, यानी मूवमेंट स्पीड तो बराबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिस्टोर 3 HP पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि आपको 3 HP देगा 10 सेकेंड तक, यानी कि टोटल यहाँ पे 30 HP आपको देगा अपडेट के बाद, लेकिन अपडेट से पहले ही आपको 50 HP देता है, यानी कि 20 HP और कम देगा, ठीक है। बाकी मूवमेंट स्पीड बराबर है और कूलडाउन टाइम मेरे ख्याल से बराबर ही है। तो ये थे गए सारे के सारे करेक्टर एबिलिटी चेंजेस जो आपको OB39 अपडेट के बाद देखने को मिलेंगे। अगर मैंने कोई करेक्टर मिस कर दिया तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं उसको जो है अगले किसी वीडियो में कवर कर लूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतनी बताना था, ओके बाय।